नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वर्तमान की भारत सरकार या मोदी सरकार इससे अच्छी कूटनीति और रणनीति कोई नहीं बनाता, तो आप इस पे क्या कहेंगे? दरअसल भारत सरकार ने अपनी एक कूटनीति का नमूना फिर से दुनिया के सामने रखा है और कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे चीन बौखला गया है। जी हाँ, वही चीन जो भारत के खिलाफ लगातार कूटनीति तरीके से या रणनीति कह लें या फिर पीछे से बैक बैंकिंग करके भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। दरअसल भारत सरकार ने हाल ही में अपने पद वॉडियोस के नाम जो हैं वो अनाउंस किए। अब नाम अनाउंस करने से चीन का क्या कनेक्शन है, आपके दिमाग में ही सवाल आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि भारत ने एक ऐसे शख्स को भारत का पद्म अवार्ड देने का फैसला किया है जिसके नाम के अनाउंसमेंट के बाद ही चीन पूरी तरीके से तिलमिला गया है। दरअसल भारत ने फॉक्सकॉन कंपनी के अध्यक्ष लियू यंग को पद्म अवार्ड देने का फैसला किया है। ये पद्म अवार्ड इतना ही महज नहीं है कि उनको पद्म अवार्ड दिया जाए, इससे चीन का बहुत गहरा कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन समझना है तो जरा फॉक्सकॉन कंपनी का काम समझ लीजिए। दरअसल फॉक्सकॉन कंपनी अभी हाल में एप्पल के लिए सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, आईपैड, लैपटॉप या फिर आईफोन से जितने प्रोडक्ट होते हैं वो फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चर करती है। और यही फॉक्सकॉन जिसने चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद करके भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू किया है, जिसके बाद चाइना का तिल मिलाना तो लाजमी है। लेकिन महज बात इतनी सी नहीं है, बात कुछ और भी है। दरअसल लियू यंग ताइवान के रहने वाले हैं, वही ताइवान जो चीन का कट्टर दुश्मन है और वो चाहता है चीन कि ताइवान पे कब्जा कर ले, और सिर्फ एक वजह जो है सेमीकंडक्टर। आपको बता दें कि ताइवान सेमीकंडक्टर का हब माना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान में बनाए जाते हैं। ऐसे में ताइवान पे चीन कब्जा करके सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपना बेताज बादशाह बनना चाहता है या उसका जो बादशाहत है अपने नाम हासिल करना चाहता है। और लियू यंग ने भी ये कहा था कि वो फॉक्सकॉन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर भविष्य का खजाना है। यही सेमीकंडक्टर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स में डाटा स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार्स में भी सेमीकंडक्टर का एक अहम रोल होता है। जिसके बाद लियू यंग ने ये दावा किया था कि आने वाले कुछ समय में जल्द ही वो भारत में सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करेंगे, जिसके बाद चीन तिलमिला उठा था। अब भारत का लियू यंग को पद्मश्री अवार्ड देने का फैसला करना चीन के गाल पे करारा तमाचा है। मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़े।